मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी को SY भक्ति अड्डा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम आपको दोस्तों गुरु प्रदोष की पावन मंगलमयी कथा एवं पूजा विधि सुनाने जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम सुनते हैं भक्तों श्री बृहस्पति प्रदोष की पूजा विधि सुने कुछ इस प्रकार है। गुरुवार को बृहस्पति देव के पूजन का विधान है। जो कोई बृहस्पति बार को व्रत करता है उसको समस्त विद्याओं की प्राप्ति होती है एवं व्रती दीर्घायु होता है। इस दिन पीले पुष्प पूजन में चढ़ाने चाहिए तथा ब्राह्मणों की पीली वस्तुओं का ही दान करना चाहिए तथा स्वयं पीली वस्तुएं नमक व तेल रहित खानी चाहिए तथा पीले वस्त्र पहनने चाहिए। अब हम श्रवण करते हैं प्यारे भक्तों गुरु प्रदोष की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है, सुनते हैं। एक नगर में संजय नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसको किसी बात की कमी ना थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु एवं दानी था, किंतु उसकी पत्नी उसको ठीक विपरीत बहुत कंजूस थी। वह भिक्षुकों को द्वार से खाली हाथ ही लौटा देती थी एवं पति द्वारा दान किए जाने पर अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पति महाराज साधु के भेष में आए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उस समय सेठानी अपना घर लीप रही थी, अतः उसने कहा कि महाराज मैं इस समय काम में व्यस्त हूँ, आप खाली समय में आइए तभी मैं आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर गुरु महाराज वापस लौट बृहस्पति पुनः बृहस्पति देव साधु के भेष में उस सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए, किंतु इस बार सेठानी खाना बना रही थी और उसने कहा कि मुझे इस समय फुर्सत नहीं है, फिर आना। यह सुनकर वह पुनः वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात फिर गुरु महाराज सेठ के घर गए, किंतु सेठानी ने कहा मैं खाली नहीं हूँ का बहाना करके उन्हें फिर लौटाना चाहा। साधु महाराज बोले इस प्रकार तो तुम्हें दान एवं भिक्षा देने के लिए कभी समय मिलेगा ही नहीं, अतः क्या तुम एकदम खाली हो जाने पर ही भिक्षा दोगी। साधु की बात सुनकर सेठानी ने कहा हाँ महाराज, मैं खाली होने पर ही भिक्षा दे सकती हूँ। यह सुनकर साधु रूप में बृहस्पति महाराज ने कहा कि तुमको एक उपाय करना है जिसके करने से तुम अवश्य खाली हो जाओगी। बृहस्पति बार को कुछ दिन चढ़ जाने के बाद सोकर उठो तथा घर में झाड़ू लगाकर बीच आंगन में लगा दो, चौका ना लगाओ और भोजन चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई पीली वस्तु ना खाए तथा पीले वस्त्र भी ना पहने। घर के लोग बृहस्पति को बाल अवश्य बनवाए तथा जब अधिक रात हो जाए तब दीपक जलाना, इस प्रकार तुम शीघ्र ही खाली हो जाओगी। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। टानी भी साधु द्वारा बताए हुए कथन के अनुसार अपने कार्य करने प्रारंभ कर दिए, जिससे कुछ ही दिनों में सब धन धान का नाश हो गया और वह भोजन तक को तरसने लगी। किंतु अब सेठानी को पूर्ण अवकाश था। कुछ दिन बीतने पर बृहस्पति महाराज फिर उस सेठानी के घर भिक्षा के लिए गए। सेठानी साधु को पहचान कर बोली कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। यह सुनकर साधु महाराज बोले कि अब तो तुम्हें हर समय अवकाश है, अब तो तुम्हें कुछ हमें दान में देना चाहिए। साधु महाराज की यह बात सुनकर सेठानी ने पहले की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि आप मेरे ऊपर दया करके ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें जिससे हमें धन धान की पुनः प्राप्ति हो जाए। अब मैं किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी और आप जिस प्रकार भी कहेंगे मैं आपका कहना मानूंगी। सेठानी की इस प्रकार की बात सुनकर साधु महाराज ने कहा कि अब तुम अपने नियमों में परिवर्तन करो और प्रातःकाल जल्दी सोकर उठो, घर को गाय के गोबर से लीपो, शाम को सूर्यास्त के बाद ही दीपक जलाओ, भिक्षुकों एवं महात्माओं को खाली हाथ ना लौटाओ। बृहस्पति के दिन घर में लोग हजामत ना बनवाए, पीले वस्त्र धारण करो तथा बृहस्पति के दिन पीली वस्तुओं का उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चित ही तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति ध्यान अंतर ध्यान हो गए। जो कोई भी नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति का व्रत करता है और इस पवित्र कथा को सुनता है
ईश्वर की कृपा से उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बोलिए बृहस्पति महाराज की जय। तो भक्तों, आप जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ओम भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।